नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज का टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ की अवस्था एक अवस्था यानी ठोस द्रव गैस से किसी दूसरी अवस्था में बदल सकती है, लेकिन इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, ये टेम्पररी परिवर्तन है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने पानी को उठा के फ्रिज में रख लिया, तो पानी के आसपास के जो वातावरण का तापमान था वो कुछ और था, फ्रिज का तापमान कुछ कम हो गया, तो पानी किस में बदल गया है? बर्फ में बदल गया। तो इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अगर हम उस बर्फ को वापस बाहर निकाले, कमरे में रख ले, तो उस बर्फ का वापस पानी बन जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ भी बनता है, जैसे कि अगर हम किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को जला रहे हैं जो कार्बनिक पदार्थ है, जैसे हमने C+O2 ये कर दिया है, कार्बन को जला दिया है, तो एक नया पदार्थ बन जाएगा CO2। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है जी, रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। जो केमिकली चेंज आता है वो इन जनरल परमानेंट चेंज आता है। जैसे अगर हमने कार्बन को जला दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड परमानेंट रूप से बन चुकी है। अब उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस कोयले में नहीं बदल सकते। भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमणीय होता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया ही है कि पानी का वापस बर्फ बन चुका है और बर्फ का वापस पानी बन चुका है, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? ये उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब ही वही होता है कि अगर कोई रासायनिक परिवर्तन इस प्रकार से, या कोई भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन इस प्रकार से घटित हो कि पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले, तो ऐसे परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। इसका जो सिंपल एग्जांपल जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था 7th क्लास में, कि जब हम गुलेल को खींचते हैं, तो गुलेल जब हम खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है। जैसे हमने गुलेल को छोड़ दिया, तो वापस उसी अपनी जो उसकी लेंथ है, उसी लेंथ को प्राप्त कर लेता है। तो ये परिवर्तन हो गया उत्क्रमणीय परिवर्तन, वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था को गुलेल ने प्राप्त कर लिया है। रासायनिक परिवर्तन प्राय अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन अगर एक बार कोई नया यौगिक बन गया, तो उसके बाद उसका वापस पुराना यौगिक बनना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है रासायनिक में जो कि उत्क्रमणीय होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिलकर अमोनिया का बनना। ठीक है जी, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, ये आपने 11th या 12th में पढ़ी होगी इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। ठीक है जी, तो ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, ये रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन फिर भी ये अनुत्क्रमणीय नहीं है। भौतिक परिवर्तन में अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है, इसके लिए ज्यादातर हमारे को ऊष्मा या ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है, निकलती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नहीं परिवर्तित होता, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होता है, और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का जो आंतरिक संगठन है, रासायनिक संगठन है, वो भी बदल जाता है। ठीक है, तो ये था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है हवा में चांदी के बर्तन का काला होना। देखो, अगर कोई परिवर्तन घटित हो रहा है और उसके लिए हम रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं, तो वो जो परिवर्तन होगा वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, वो भौतिक परिवर्तन नहीं कहलाएगा। जैसे हवा में चांदी का बर्तन काला होता है, क्यों काला होता है? ये क्रिया कर लेता है, किससे क्रिया करता है? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और एक नया यौगिक बनाता है जिसको हम कहते हैं Ag2O। केमिकल रिएक्शन मैंने यहां लिख लिया, आप इसको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना भी हम सिंपली इसको लिख सकते हैं सिंपल टर्म्स में C+O2 CO2। यहाँ पे इंपोर्टेंट मैं बता दूं, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उस मोम को हम, जब वो मोम पिघल जाएगा तो हम उसको वापस से जमा सकते हैं, ठोस के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। दूध से दही बनना, तो दूध से दही किसके कारण बनता है? लैक्टोबेसिलस के कारण। लैक्टोबेसिलस जीवाणु दूध के साथ क्रिया करता है, रासायनिक क्रिया करता है, और दूध का जो रासायनिक संगठन है वो बदल जाता है।
एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, 12th में आपने पढ़ा होगा प्रोटीन का विकृतीकरण, तो उसका भी एक उदाहरण क्या है, दूध से दही बनना। लास्ट ऑप्शन है पानी में चीनी का घुलना। पानी में जब चीनी को घोला जाता है तो चीनी के बड़े बड़े क्रिस्टल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल उसमें टूट जाते हैं। चीनी का कोई सा भी रासायनिक जो संगठन है वो परिवर्तित नहीं होता, पानी का रासायनिक संगठन भी परिवर्तित नहीं हो सकता। इन शॉर्ट में हम कहते हैं कि पानी और चीनी को जब हम आपस में मिलाते हैं तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो निम्नलिखित से एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो आपको सही आंसर पता चल गया होगा, पानी में चीनी का घुलना एक किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है, भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर, कारक क्या है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसके कारण कोई अभिक्रिया घट रही है उसको हम कारक कहेंगे, भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है जल का वाष्प में बदलना। तो यहाँ पे देखिए, जो जल था पहले द्रव अवस्था में, वो किसमें बदल गया, वाष्प अवस्था में बदल गया, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जल का वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। ये आपके पास प्रिज्म है, जब इससे श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। फिजिक्स में मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा, फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए जो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है वो प्रिज्म के अपवर्तनांक के कारण होता है। और ये जो 7 कलर है, आपको पता होगा 7 कलर कोई नए से नहीं बने हैं, ये 7 कलर पहले से ही प्रकाश में मौजूद थे, बस प्रिज्म के कारण ये अलग अलग वर्णों में अपघटित हो चुके हैं। तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, प्रिज्म प्रकाश से किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर रहा, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट है, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। एक्चुअली होता क्या है, जब मिट्टी में हमने पानी को मिला रखा है तो पानी के जो कण है वो मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रखते हैं, और जैसे ही मिट्टी सूख गई, पानी वाष्पीकृत हो गया, तो अब जो है मिट्टी के कण उस तरीके से आपस में बंधे हुए नहीं रह गए, तो इसलिए क्या हो गया, ये भंगुर हो गया। तो यहाँ के लिए भी हम किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन नहीं लिख सकते, भाई पानी था उसने पहले मिट्टी के कणों को जोड़ा था, नेचुरल कोहेसिव और अधेसिव ससंजक और आसंजक बल के कारण, ये फिजिक्स में आएंगे दोनों ही बल, उसको मैं तब वहां आपको बता दूंगा। और बाद में पानी क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया, तो यहाँ भी किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। नेक्स्ट है, नमक का पानी में घुलना, ठीक वैसे ही है जैसे चीनी का पानी में घुलना, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि अगर हमने एक बार सब्जी पका दी है तो उसकी आप वापस हरी सब्जी नहीं बना सकते कि कल के लिए और कोई सब्जी बच गई, चलो जी कल के लिए ताजी सब्जी हो जाए, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन में लिखा है, रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया स्थायी एवं सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है, अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, संक्षारण के उदाहरण। तो संक्षारण का मतलब क्या होता है, संक्षारण का मतलब होता है क्षरण या नष्ट होना। होता क्या है, जब कोई धातु, कोई सी भी धातु होगा, जो मेटल होगा, वो क्रिया करेगा किससे, ऑक्सीजन से, जल से, या फिर किसी अम्ल या क्षार से, जब इन सब से क्रिया करेगा तो फिर इसका क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है। जो धातु है वो ऑक्सीकृत हो जाता है या अपचयित होता है, सामान्यतः तो धातु ऑक्सीकृत होती है तो एक नया यौगिक बनाती है, और जब ये नया यौगिक बन चुका है, इस नए यौगिक से हम पुरानी धातु वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारी धातु का नाश हो गया है, उसका क्षरण हो गया, वो नष्ट हो चुकी है। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है कि संक्षारण के लिए हम केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि मेटल ने क्या है, ऑक्सीजन, जल, अम्ल या क्षार से क्या करी है, रासायनिक रूप से अभिक्रिया करी है। तो संक्षारण कैसा एग्जाम्पल है, ये है रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल। यहाँ पे संक्षारण के उदाहरण कौन कौन से वो दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है सिल्वर पर काले रंग की परत बनना। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, बिल्कुल ये आपके पास संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, जो सिल्वर है Ag वो किससे क्रिया कर रहा है, ये क्रिया कर रहा है ऑक्सीजन से, O2 से क्रिया कर रहा है और बना रहा है आपके पास Ag2O।
ठीक है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस आप कर लीजिएगा। और जो ये Ag2O होता है ये कैसा होता है, काले रंग का होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको आपको पूछा जा सकता है सिल्वर का जब संक्षारण होता है तो उस पर किस रंग की परत बनती है, तो सिल्वर पर बनती है काले रंग की, तांबे की सतह पर बनती है हरे रंग की, और लोहे की सतह पर बनती है भूरे रंग की। ठीक है, ऐसे ही तांबे के लिए हम केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं Cu+O2, तो ये बनता है आपके पास Cu2O या फिर CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो इसकी परत बनती है। क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है CuO और क्यूप्रस ऑक्साइड होता है Cu2O। ठीक है, और नेक्स्ट है लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। जब लोहे पर भूरे रंग की परत बनती है तो उसका जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है Fe2O3.XH2O। कुछ जल के अणु भी उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही संक्षारण के उदाहरण है और तीनों का कलर भी आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, वायु तथा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातु का स्नेह धीरे धीरे संक्षारण हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज में नो आपको याद दिला दूं कि दिल्ली के मेहरौली में एक लौह स्तंभ है, वो लौह स्तंभ कहा जाता है कि गुप्त काल में बनाया गया है, और उसकी खासियत यानी विशेषता यह है कि उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। दिल्ली के मेहरौली में जो लौह स्तंभ है उसमें आज तक जंग नहीं लगा है, अदरवाइज जितनी भी धातु होती है उसमें जंग जरूर लगता है, उसका संक्षारण जरूर होता है। नेक्स्ट है आपके पास जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, जब जल अपघटन होता है तो ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो पहले मैं आपको बता दूं जल अपघटन क्या है। देखो, बेसिकली जो आपके पास जल है वो मिलके बना होता है H+ आयन और मिलके बना होता है OH- आयन में। अगर कोई सा भी रासायनिक यौगिक जल में घुलने पर H+ आयन को रिलीज करे तो वो रासायनिक यौगिक होगा अम्लीय प्रवृत्ति का या अम्लीय प्रकृति का, और अगर कोई रासायनिक यौगिक जल में घुलने पर OH- आयन को दे तो वो जो रासायनिक यौगिक होगा वो होगा क्षारीय प्रकृति का। होता क्या है, जब कोई लवण, लवण में क्या होता है, एक आपके पास मेटलिक कैरेक्टर वाला यौगिक होगा और दूसरे आपके पास क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर स्टिक वाला कोई अधातु होगा। ये अधातु क्रिया कर लेती है और जल को क्या करते हैं, H+ और OH- अलग अलग हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो जो जल के अणु को हमने क्या कर दिया, अपघटित कर दिया है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं जल अपघटन। और सामान्य तो क्योंकि H+ और OH- एक प्रबल बंध है तो इसके टूटने पर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा रिलीज होती है, तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, ऊष्मा के रूप में रिलीज होती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपके पास बी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास बी। तो जल अपघटन की प्रक्रिया में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, ठोस की अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो रासायनिक यानी विज्ञान जब हम पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसमें यौगिकों के शुद्धिकरण के अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस है, तो उसी में से कुछ के एग्जांपल है, जैसे आसवन है, क्रिस्टलीकरण है, उधरपातन है, और भी आपके पास है क्रोमेटोग्राफी है, वाष्पन है, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो धातुओं के शुद्धिकरण के लिए होती है। आसवन क्या है, आसवन होता है जब कोई दो द्रव है और वो आपस में मिल गए, दो द्रव है वो आपस में मिल गए, अब हमें इन दोनों द्रवों को पृथक करना है, तो इन दोनों द्रवों को कैसे पृथक करेंगे, तो उसको हम पृथक करेंगे गर्म करने पर, क्योंकि दोनों द्रवों के क्वथनांक में क्या होगा, अंतर होगा, और अगर ये दोनों द्रवों के क्वथनांक में अंतर पर्याप्त है तो हम दोनों द्रवों को गर्म कर उसको भाप के रूप में परिवर्तित करके अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जल और तेल अगर मिक्स हो गया तो हम इसको वाष्पीकृत करके अलग कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें द्रवों को उबाल करके पृथक करा जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं आसवन। इसी प्रकार से एक प्रभाजी आसवन होता है, प्रभाजी आसवन आसवन का एक एडवांस वर्जन है, अगर दोनों द्रवों के क्वथनांक में जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से कम का अंतर हो, यानी एक का क्वथनांक जैसे जल का क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, उसमें जो दूसरा द्रव मिला रखा है उसका जो क्वथनांक है वो 75 डिग्री सेल्सियस
से लेके 125 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो, तो फिर उसको पृथक करने के लिए, द्रव से या जल से पृथक करने के लिए हम जो प्रक्रिया यूज करेंगे उसको हम कहते हैं प्रभाजी आसवन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, कोई सा भी जो ठोस है उसको क्रिस्टल के रूप में, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में तोड़ा जाता है। आपको पता ही होगा कि जो समुद्र के जल से नमक को प्राप्त किया जाता है वो भी क्रिस्टलीकरण के रूप में प्राप्त किया जाता है। होता क्या है, जो समुद्र का लवणीय जल है उसको हम ओपन फील्ड या कुछ खेत जैसे है उसमें से हम गुजारते हैं, फिर जब इसमें सनलाइट पड़ती है तो उससे पूरा का पूरा पानी वाष्पीकृत हो जाता है और जो लवण है वो खेतों में बच जाता है, और इसी लवण को गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान इकट्ठा करा था। तो ये नमक के क्रिस्टल को हम इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट है उदरपातन। उदरपातन क्या होता है, जब कोई ठोस जो सॉलिड है आपके पास वो सीधा ही किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, भाप में बदल जाए, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं उदरपातन। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा ठोस की अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, आसवन की प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया यूज करी जाती है द्रवों के शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने यहां बता भी रखा है आसवन को किस लिए यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी शब्द आपको पता ही होगा दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रोमा जिसका मतलब होता है कलर या रंग, और दूसरा होता है ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है लिखना। ठीक है जी, तो क्रोमेटोग्राफी में क्या है, अब क्रोमा का मतलब कलर जैसे पहले ही आ चुका है तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर होगा रंगीन पदार्थों की पहचान करने के लिए। अगर कोई जो रंगीन पदार्थ है उनकी पहचान करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। अगर आपको आज किसी क्रोमेटोग्राफी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर आपको लगेगा तो फिर मैं इस क्रोमेटोग्राफी पर ही अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ 5 से 10 मिनट की लैब असिस्टेंट के पर्पज के लिए। ठीक है, तो पदार्थ की संरचना के निर्धारण में इसको यूज नहीं करते, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन के लिए। ये क्वेश्चन देखो मिक्स कर रखा है कंफ्यूज करने के लिए, जबकि दोनों की दोनों जो प्रोसेस है वो अलग है। रंगीन पदार्थ के लिए क्रोमेटोग्राफी और प्रभाजी आसवन किस लिए होते हैं, जब दो द्रवों को मिश्रित करा जाता है उसका शुद्धिकरण करने के लिए, दोनों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए या 25 केल्विन से कम होना चाहिए, तभी हम प्रभाजी आसवन को यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी के बारे में लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया था वीडियो में कि जब कोई ठोस सीधे ही बदल जाता है किसमें बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, ये आपके पास सॉलिड है, ये आपके पास क्या है, जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो किसमें बदलता है, वो बदलता है लिक्विड में, जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसको वो किसमें बदलता है, वो बदलता है वेपर में। यानी टेम्परेचर जैसे जैसे हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सॉलिड लिक्विड और वेपर, ऐसी सिचुएशन हमारे को मिलती है। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो सीधा ही वेपर में चेंज हो जाते हैं, वो लिक्विड नहीं बनते। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो सीधे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, वेपर यानी वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे ठोसों को कहते हैं उदरपातित पदार्थ और इस प्रक्रिया को कहते हैं उदरपातन। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदरपातन कहते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो मैं आपका कमेंट बॉक्स में आंसर जानना चाहूंगा कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ये जो शुष्क बर्फ है इसका भी उदरपातन होता है, तो किसे कहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको सही आंसर मिलेगा वीडियो के लास्ट में। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ही उदरपातित हो जाते हैं, सीधे ही ठोस वाष्प में बदलते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है वो आपको आवश्यक रूप से याद रखने, क्योंकि ये बहुत कम है और ये स्पेशली अलग से पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कपूर है, इसका उदरपातन होता है, नेफ्थलीन का उदरपातन होता है और अमोनियम क्लोराइड का भी उदरपातन होता है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है होता है NH4Cl। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। और चौथा मैंने आपको बता दिया शुष्क बर्फ, वो भी कैसा है, उसका भी क्या होता है, उदरपातन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। कोई नमूना हमने सॉलिड लिया था और वो हवा में हमने छोड़ा और कुछ समय पश्चात वो गायब हो गया। ठीक है, जैसे कपूर है, आपके पास नेफ्थलीन है या शुष्क बर्फ है, जो मैंने आपको बताया शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है और आपको सही आंसर मिलेगा वीडियो के अंत में। तो जो इस प्रक्रिया को वो क्या कहेंगे, उदरपातन की प्रक्रिया कहेंगे, वाष्पन हम इसको नहीं कहेंगे। ठीक है,
और विकिरण एक अलग टॉपिक है, विकिरण रेडिएशन होता है और वाष्पीकरण क्या होता है, द्रव का गैस अवस्था में बदलना, उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। इसका सही आंसर होगा उदरपातन। नेक्स्ट है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। देखो तभी मैंने कहा था कि आपको याद रखना है कि कौन कौन से पदार्थ उदरपातित हो सकते हैं, तो आपको याद होगा कौन कौन से बोला था मैंने, कपूर बोला था आपके पास, नेफ्थलीन बोला था और अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl कहा था, एक चौथा बोला था शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या होता है, ठीक है जी, तो ये सारे के सारे जो पदार्थ है ये उदरपातित होते हैं, और अगर ये रेत से मिला है तो हम सिंपल उदरपातन की प्रक्रिया को अपनाएंगे जिससे नेफ्थलीन क्या हो जाएगा, सीधा ही वाष्पीकृत हो जाएगा और इस वाष्प को हम कलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से हम रेत और नेफ्थलीन को उदरपातन की विधि से अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। ऐसा क्यों होता है भाई, सामान्य जगह पर तो पानी उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन ऊंचाई पर हमारे को 100 डिग्री सेल्सियस की भी जरूरत नहीं पड़ती, उससे कम टेम्परेचर पे ही हमारा पानी उबल जाता है। तो जैसे अब मैंने आपको बताया था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में, और लिक्विड किस में चेंज होता है, लिक्विड चेंज होता है वेपर में। तो ये वाला ऑर्डर रहता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑर्डर एकदम रिवर्स हो जाता है, अगर हम क्या बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे तो वेपर किस में बदल जाएगी, भाप किस में बदल जाएगी, लिक्विड में, और लिक्विड किस में बदल जाएगा, सॉलिड में। तो ये आपको याद रखना है, HP का LT, HP मतलब हाई प्रेशर और LT मतलब लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में क्या होगा, जो कोई वाष्प है वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में, कोई लिक्विड है उसमें क्या बदल जाएगा, सॉलिड में, ठीक है। यही स्टेप किस में रहेगा, हाई प्रेशर में। तो क्योंकि आपको लो टेम्परेचर याद है तो आपको हाई प्रेशर भी याद रहेगा, तो HP का LT यानी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर हमारा क्या करता है, वेपर को किस में बदलता है, लिक्विड में, और लिक्विड को किस में बदलता है, सॉलिड में। तो ऊंचाई वाली जगहों में क्या होता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, जो वायुमंडलीय प्रेशर है वो घट जाता है। वायुमंडलीय प्रेशर क्योंकि घट गया तो क्या होगा, वायुमंडलीय प्रेशर के घटने से जो आपका द्रव है वो आसानी से किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए आपका द्रव किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। नेक्स्ट आप, ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्योंकि प्रेशर को घटाया, आपके पास सॉलिड था और लिक्विड था और वेपर था, क्योंकि हमने प्रेशर को घटाया है तो इसलिए लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, इजीली वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। तो 12th में आपने दो टॉपिक्स पढ़े होंगे, सेकंड चैप्टर में केमिस्ट्री में, उसमें टॉपिक्स आए थे क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में क्या आया था, अवनमन आया था। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हम अशुद्धियां मिलाते हैं किसी द्रव में तो क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, और हिमांक में क्या होता है, अवनमन होता है, हिमांक घट जाता है। तो यहीं से आपको याद रहेगा अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, उन्नयन अर्थात बढ़ जाता है। तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, उदरपातन कहते हैं। और ये आपका लास्ट ऑप्शन था, तो लास्ट में आ जाते जाते मैं आपको सही आंसर बता दूं कि शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, वो कहते हैं ठोस CO2 को, किसको कहते हैं, ठोस CO2। ठोस CO2 क्या कहलाता है, शुष्क बर्फ कहलाता है। जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब हम उसको सॉलिड के रूप में बदलेंगे, सॉलिड के रूप में कैसे बदलेंगे, HP का LT, टेम्परेचर घटाएंगे और प्रेशर कैसे करेंगे, हाई प्रेशर करेंगे, तभी गैस को हम किसके रूप में बदल सकते हैं, सॉलिड यानी ठोस के रूप में बदल सकते हैं। तो जब हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करते हैं तो CO2 किसके रूप में बदल जाता है, ठोस CO2 के रूप में। इसको शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ठोस CO2 सीधे ही वाष्प में बदल जाता है, ये पानी के रूप में परिवर्तित नहीं होता, यानी ये किसी भी स्थान को गीला नहीं करेगा, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं शुष्क बर्फ कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।